हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो में हम लोग करेंट इंडियन एजुकेशन के अंदर डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लोग कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे वीडियो का लास्ट में ठीक है एक क्लास नंबर सिक्स है बाकी क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो वीडियो को शुरू करते हैं वैसे आप सभी का बी एंट्रेंस सिलेबस में इस टॉपिक के बारे में कहीं भी मैंसन नहीं किया गया है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है श्योर पूछेगा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग एन बोलते हैं ठीक है शॉर्ट में द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव न्यू एजुकेशन पॉलिसी एन ई पी टू थाउजेंड ट्वेंटी विथ एन एम टू रिड्यूस सेवरल चेंजेस इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज लेवल तो स्कूल से लेकर कॉलेज लेवल तक इस पॉलिसी में चेंज देखने के लिए मिलेगा हम लोग डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट आपको इसका एम याद रखना है इसका एम क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर इसका मेन एम है इस इस पॉलिसी के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एच हुआ करता था इसका नाम चेंज हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है तो बहुत ही बड़ा बदलाव इसको लाया गया इसमें ठीक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इससे पहले फर्स्ट टाइम आया था 1968 में सेकेंड टाइम आया था 1986 में और थर्ड टाइम जो आया है 2020 में तो ये आपको याद रखने का क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्कूल एजुकेशन के बारे में सबसे पहले स्कूल कॉलेज हम लोग सब डिस्कस करेंगे लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्कूल एजुकेशन के बारे में इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एडुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ हंड्रेड परसेंट ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो जी ई आर इन स्कूल एडुकेशन बाई टू थाउजेंड थर्टी इसका मेन डेडलाइन है और मेन इसका एम है बोल सकते हैं ठीक uh, है टू ब्रिंग टू करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन बैक इन टू मेन स्ट्रीम थ्रू ए ओपन स्कूलिंग सिस्टम इसका नेक्स्ट की पॉइंट है तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं द करेंट टेन प्लस टू सिस्टम टू बी रिप्लेस बाय ए न्यू फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर करिकुलर स्ट्रक्चर कॉरस्पॉन्डिंग टू एज थ्री टू एट एट टू इलेवन इलेवन टू फोर्टीन एंड फोर्टीन टू एटीन ईयर्स रिस्पेक्टिवली जो पहले से टेन प्लस टू सिस्टम चल आ रहा था ये चेंज होके फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर हो जाएगा ठीक है यानी एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर इस प्रकार था देख सकते हैं लेकिन अब यहाँ पे चार टाइप में डिवीज़न हो जाएगा सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज जो कि थ्री से एट ईयर्स होगा नेक्स्ट होगा प्रिप्रेटरी स्टेज जो कि एट से इलेवन होगा देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट होगा मिडिल स्टेज इलेवन से फोर्टीन ईयर्स ठीक है और लास्ट होगा सेकेंडरी स्टेज इसका एज होगा फोर्टी से एटीन ईयर्स ठीक है तो यहाँ पर क्लास भी दिया है देख सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको पी से रिविजन कर सकते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वोकेशनल एडुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास सिक्स विद इंटर्नशिप तो इस एन में वोकेशनल एडुकेशन स्टार्ट होने का बात जो है क्लास सिक्स अनवर्ड किया गया है ठीक है टीचिंग अप टू तो एटलीस्ट ग्रेड फाइव टू बी इन मदर लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज तो क्लास फाइव तक एटलीस्ट मदर टंग में पढ़ाने का भी बात ए एन पी में किया गया है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ए न्यू एंड कॉम्प्रीहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एन सी एफ टी ई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन विल बी फॉर्मुलेटेड तो दोनों यहाँ पे मिलके दो मिलके एक नया यहाँ पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा एन और एन सी ठीक है इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाई टू द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी फोर ईयर्स 2030 तक मिनिमम टीचिंग का क्वालिफिकेशन कितना हो जाएगा फोर इयर्स वो भी इंटीग्रेटेड बीएड हो जाएगा ठीक है इसके बाद और भी यहाँ पे है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं इनवर्सलेसन फ्रॉम एज थ्री टू क्लास टेन बाय 2030 तो तीन से लेके क्लास टेन तक जो है इनवर्सलेसन होना चाहिए दो तक मिशन टू एंश्योर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल बाय 2025 थाउजेंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास फाइव ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं न्यू करिकुलम टू इंक्लूड ट्वेंटी वन सेंचुरी स्किल लाइक कोडिंग एंड वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास सिक्स इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन के बारे में जो कि इसमें कॉलेज वगैरह आ जाएगा तो उससे पहले ये आपको याद रखना है जीडीपी का सिक्स परसेंट यूज़ करने का भी बात किया गया है इस पॉलिसी में ठीक है आइए उसके बाद हम लोग हायर एजुकेशन को डिस्कस कर लेते हैं हायर एजुकेशन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज टू फिफ्टी परसेंट बाई टू थाउजेंड थर्टी फाइव तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम फिल कोर्स विल बी डिसकंटिन्यू एम फिल कोर्स हुआ करता था जो ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा इस पॉलिसी के अनुसार एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू बी इस्टाब्लिश तो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी भी सेटअप किया जाएगा ए नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी सेटअप किया जाएगा एपेक्स बॉडी के अंदर ठीक है इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एच ई सी आई विल भी सेटअप ए सिंगल अम्ब्रेला बॉडी तो इसका भी सेटअप किया जाएगा ठीक है इसमें दो नहीं रहेगा मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ के बाकी यहाँ पे सब इंक्लूड होगा ठीक है इसके अंदर चार इंडिपेंडेंस यहाँ पे वर्टिकल्स शामिल होगा इसका नाम यहाँ पे है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल जनरल एजुकेशन काउंसिल हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल नेशनल एक्रेडेशन काउंसिल ये यहाँ पे चार शामिल होगा मिलकर बनेगा ठीक है एप्लीकेशन सब कॉलेज टू बी फेस्ड आउट इन फिफ्टीन ईयर्स तो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद रखना होगा ठीक है तो ये सब था हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के बारे में और भी कुछ चेंजेस जो बात किया गया है इसमें उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एन एनोटोनमस बॉडी द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम एन इसको भी सेटअप किया जाएगा क्रिएट किया जाएगा फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के लिए ठीक है नेशनल असेसमेंट सेंटर परख हैज़ बीन क्रिएटेड टू असेस द स्टूडेंट ये भी आपको याद रखना है इसको भी सेटअप किया जाएगा क्रिएट किया जाएगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली पार्सियन एंड प्राकृत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन टू सेटअप इसको भी सेटअप किया जाएगा ठीक है करेंटली इंडिया स्पेंड अबाउट फोर पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ इट्स टोटल जी डी पी जो कि यहाँ पे सिक्स परसेंट करने का बात किया गया है और प्रेजेंट में कितना यूज हो रहा है फोर पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट तो ये आपको याद रखना है ठीक है तो ये सब था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक समरी इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसके बेसिस पे एम सी क्यू को डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वॉज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी इन हुई चेयर तो एच आर डी मिनिस्ट्री नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कब हुआ 1985 में लेकिन फिर से इसका नाम एन पी दो हज़ार बीस के हिसाब से चेंज हो चुका है तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग चेयर कमेटी फॉर एवोलेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी उनका नाम है टी एस आर सुब्रमण्यन तो इसका सही आंसर है टी एस आर सुब्रमण्यन ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग चेयर कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 तो इस ड्राफ्ट का चेयर कौन किए थे यानी इसका चेयरमैन कौन है उनका नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो कि इसरो का प्रीवियस चेयरमैन भी रह चुके हैं ये आपको याद रखना होगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ने है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू टारगेट्स हंड्रेड ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय which ईयर तो इसका सही आंसर है टू थाउजेंड थर्टी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू थाउजेंड ट्वेंटी एम टू इंक्रीज ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट टू थाउजेंड एटीन में जो था टू फिफ्टी परसेंट बाई हुई ईयर तो हायर एजुकेशन के लिए इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा टू थाउजेंड थर्टी फाइव इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ने एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थाउजेंड ट्वेंटी टीचिंग अप टू एटलीस्ट व्हाट ग्रेड टू बी इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज तो इसका सही आंसर है क्लास फाइव तक यानी ग्रेड फाइव तक इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ने हाउ मेनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन विल बी ब्रॉट बैक इन द मेन स्ट्रीम अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू तो इसका सही आंसर है टू करोड्स इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ने द टेन प्लस टू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुलर इज टू रिप्लेस बाय हुच क्रिकुलर स्ट्रक्चर तो इसका सही आंसर है फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर ठीक है तो सही आंसर हो जाएगा ए वाला फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में रिपीट कर सकता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिलेशन ऑफ कॉलेजेस इज टू बी फेज आउट इन हाउ मेनी ईयर्स तो इसका सही आंसर है फिफ्टीन ईयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू थाउजेंड ट्वेंटी एन डबल एम एक्सचेंज फॉर तो एन डबल एम का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा इस वीडियो का पीडीएफ भी आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच